गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस शाम के ना 5 बज चुके हैं भाई, और आप सोच रहे होंगे राजा भाई ने कंटिन्यू व्लॉग नहीं किया, क्योंकि भाई देखो हम अनलोडिंग के लिए गए, उसके बाद ना रातों रात ही चले, मतलब दिन के 2:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, और हमारी गाड़ी आपको पता भी अकोला के लिए लोड हो गई थी पेंट, तो हम अकोला पहुँच चुके थे भाई। रात को दिखाने को कुछ था ही नहीं, और आपको पता अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है वैसे, तो हमने ना रात को व्लॉग वगैरह नहीं किया। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अकोला में, अभी गाड़ियाँ अनलोड होंगी, क्योंकि भाई ने बोला बाहर वेट करो, 2 गाड़ी हमसे पहले, तो उम्मीद है आज नहीं होंगी, सोहेल भाई होंगी, और अपने सोहेल भाई और ये अपने भाई हैं दूसरे, इन्होंने मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि भाई ऐसा सीन है, जो मैंने माल लोड किया ना वो कितने के लिए 400 केजी ओवरलोड हो गया, धोखे से 400 केजी ओवरलोड हो गया भाई। तो भाई ने बोला पहले राजा भाई कांटा कर लो, मैंने रब के शुक्र से कांटा कर लिया, फिर भाई ने रात को ना क्रॉसिंग किया दूसरी गाड़ी पर, तो बॉर्डर वगैरह पार करके फिर देखो यार भाई हैं तो भाई के काम आ रहे हैं, तो यहाँ अपने भाई मिल गया अचानक। आपको कैसे पता मेरी गाड़ी यहाँ पे दिख गई दूर से गाड़ी? हाँ तो भाई की गाड़ी है, भाई के पास ना 6 टायरी है भाई, ज़्यादा मिर्च पे चलते हैं। तो चलो अच्छा लगा, अभी भाई ने बोला कि यार राजा भाई यहाँ पहुँची है, क्योंकि पार्किंग ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे, और फैक्ट्री यहाँ पास नहीं है, तो भाई की आगे पिकअप भाई, आज आप जाओ पानी ले आओ, ठीक है, अमित भाई और भाई को भेजेंगे, वो पीछे रखो ना, और भाई ये चीज़ चेक करो भाई, इतना हम नहीं कमाते जितना ये पिकअप वाले कमाते हैं, मतलब मेरे सुबह भाई बोल रहे छत्तीसगढ़ रायपुर हर जगह जाते हैं, अभी इंदौर से चक्कर लगा के आ रहे हैं, चलो वेट कर लेते हैं इससे पहले। सोहेल भाई आप भी भेजो बंदा अपना, भेजा आपने, जाए हम पानी लेने चले, आप चलोगे? लो जी वहाँ पैसे देने पड़ेंगे ना शायद, ठीक है भाई भाई, तब तक मैं भाइयों से बातें करूंगा, पानी ले आओ। एक सेकंड रुक लो। आ गए हम पंप पे पानी भरने अपने साथ भाई दूसरे, क्या नाम है आपका? फाजल। ये आप भाई अपने वहीं से वहीं के हैं कुलगाम से, और दूसरे भाई हमारे ये काका पिकअप वाले, अभी पानी वगैरह भरते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं भाई होटल पे, और यहाँ ना हमने चाय ऑर्डर की, और साथ में ना समोसा गरम गरम, इन्होंने ब्रेड पकौड़ा दिया। आपको सुबह सुबह मिर्च खाने का मज़ा आता है? हाँ, इससे तीखा रहता है बंदा, तीखा रहता है, ठीक है चलो चलता है बंदा। तो चलो भाई पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे। आप देखो कैसे देख रहे थे, आप देखो आप कैसे देख रहे थे? ऐसा देख रहा था मैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे वीडियो उठाते, ऐसे वीडियो उठाया। हाँ पीलिए चाय, हाथ में पकड़ के इसको रखना। अब दिन को क्या मिलेगा लंच में? आज नाश्ते में। हाँ नाश्ते में क्या? खाने में। खाने में, खाने में वो लिखा हुआ है वहाँ पे। अरे हिंदी नहीं आता हमको, अरे मेरे को वो पढ़ के नहीं आता ना। तो नहीं नहीं आप बोलो ना, हम जो बनाते हो वही बोलो ना भाई। क्या वो गरम नाश्ता नहीं करता? आलू वाला पाव वाला भजे समोसा कचौरी। तो गाइस यहाँ की ना मतलब जो हरा के ना आलू पाव भाजी कुछ ऐसा ऐसा है, मतलब जो हम नहीं खाते, क्योंकि वो ना थोड़ा गर्म वर्म लगता है, तो इसलिए हमने नहीं खाया। तो हमने चाय वगैरह पी ली, अब चलते हैं सीधा गाड़ी के पास, गाड़ी अनलोड करेंगे, और खाना वगैरह तो हम गाड़ी में ही बनाते हैं भाई, आपको पता है। तो चले भाई चले, चलो पियर हाट ढाबा भाई। रात को भाई ना हमें यहाँ भेज रहा था, और चिकट देख रहे हो भाई, यहाँ ना गाड़ियों की बुरी हालत है, और बैक साइड भी है पार्किंग, पार्किंग में देखा आपने कितना कीचड़ है? बहुत कीचड़ है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ गाड़ियाँ भी बहुत हैं भाई, इसलिए हमने ना अपनी गाड़ी वहीं रखी, क्योंकि हमें ना खाना वगैरह तो अपना बनाना पड़ता है, बाहर खाना नहीं पड़ता, इसलिए हमने गाड़ियाँ वहीं रखी। तब निकलते हैं सीधा गाड़ी के पास भाई, फिर भाई को पूछते हैं गाड़ी का अनलोड। तो गाइस दिन के ना 1 बजने वाले हैं भाई, और हमारी गाड़ी की अनलोडिंग की कोई अभी खबर कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी अंदर गया था, मैंने भाई को बोला कि भाई ऐसा सीन है कि हमारी गाड़ी का दिहाड़ टूट रही है, और आपको पता भी है साउथ में आगे बहुत सारी गाड़ियां आ गई है भाई, तो रेट ना जीरो हो जाएगा, वहां से भी खर्चा लाया यहाँ से भी खर्चा लेके जाएंगे, मतलब फ्री में माल इधर उधर करना, अपना गाड़ी का 1 रुपया भी नहीं हाथ में आएगा। तो अभी ट्रांसपोर्ट वाले भाई को मैंने बोला कि यार हमारी गाड़ी का कुछ करो। देखो भाई एक बात बोलूंगा, अगर आप आ रहे हो ना बाहर से कुछ भर के आ रहे हो ना, सबसे पहले अगर जहाँ गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं 7-8 गाड़ियाँ, तो जिद मत किया करो, क्योंकि पहले देखो मैं हैदराबाद में था, 8 गाड़ियाँ थी, मेरा नंबर था गाड़ी का, मुझे भाई ने बोला कि 15,000 रुपये आपको रेट देंगे अकोला का, आप लोड करके जाओ। भाई मैंने मना कर दिया, मैंने बोला फ्री में थोड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी खुद की है, और एक वहाँ बैठा हुआ था उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने क्या किया ट्रांसपोर्ट वाले को बोला मेरी गाड़ी लगाओ मैं आऊँगा, मतलब यही चीज़ है, तभी ट्रांसपोर्ट मतलब पीछे रह गई है, तभी गाड़ियों का काम फेल हो गया है। तो ऐसा मत किया करो भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत किया करो भाई, क्योंकि ये ऐसे ना गाड़ियों का सारा काम भी फेल हो जाएगा। देखो गाड़ी का काम फेल हो नहीं रहा, हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भाई से बात हुई, उसको मैंने बोला गाड़ियां हमारी अनलोड कर, नहीं तो जो दिन घटेगा इसका दिहाड़ी हमें चाहिए, ठीक है।
तो अभी भाई ने एक फोन किया, यहाँ आदिल भाई कल आए थे मिलने, आपने पिछले व्लॉग में देखा, उन्होंने फोन करके बोला राजा भाई खाना मत बनाना, हम यहीं से खाना लेके आ रहे हैं, प्लीज यार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार ऐसा मत किया करो भाई, हम आ रहे हैं, मानता हूँ दिल से प्यार है, लेकिन ये लाना वाना ये कुछ मत किया करो भाई, ये चीज मत, अगर हाँ आपको कुछ लाना है तो पानी की एक बॉटल सिर्फ पानी पियेंगे आपके साथ बैठ के। तो गाइस रात के ना 11 बज चुके हैं भाई, और हमारी तीनों गाड़ियां अनलोड हो गई थी, उसके बाद ना हम यहां से निकल गए सीधा सावदा के लिए, तो यहां से निकलते हैं भाई सीधा पहुंचते हैं सावदा, और आपको सुबह सावदा में मिलेंगे, अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवानी है और भी काम करवाने, तो मिलेंगे सुबह इसी कंटिन्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस शाम के ना 3 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं डायमंड ट्रांसपोर्ट में भाई, रात को ना 3 बजे यहां पहुंच गए, उसके बाद ना सो गए, और भाई सुबह बारिश, आपको पता भी जब बारिश लगी हो तो नींद बड़ी मीठी आती है, तो दोनों भाई सो गए थे और सुबह ना 10:30 बजे उठे, उसके बाद ना चाय वगैरह पी के एकदम फ्रेश वगैरह हो गए, और अपनी गाड़ी हमने बाहर रखी क्योंकि अंदर ना कीचड़ बहुत ज़्यादा है भाई, पार्किंग में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ रही भाई की शॉप जहाँ हमने चाय वगैरह पी, बराबर इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम होता है, तो यहाँ अपना खाना बन रहा है भाई, खाना वगैरह खा के फिर हम गाड़ी लगाते हैं भाई के पास, क्योंकि टायर भी अंदर बार करने, टायर अंदर बार करके फिर आपको हम विजिट करवाने वाले हैं डायमंड ट्रांसपोर्ट, और आपको दिखाएंगे भाई मतलब पूरी पार्किंग कहाँ पे है, गाड़ियाँ कितनी अंदर जो भी है, और एक चीज़ और बोलूँगा यार, यहाँ ना बारिश ने सब मतलब काम ही ख़राब कर दिया, तो सुबह देखते हैं अपनी गाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी, वो बारिश पे डिपेंड है, अगर बारिश नहीं हुई तो लग जाएगी, अगर बारिश हुई तो फिर गाड़ी कोई भी नहीं लगेगी भाई। लंच वगैरह हो चुका है भाई और आ चुके हैं भाई की शॉप पे, यहाँ रही भाई की शॉप, देख रहे हो टायर वगैरह पलटी करने की जरूरत थी क्योंकि टायर ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ ना आज कीचड़ वगैरह सर है, तो जो रात को गाड़ी है भाई की वो अंदर लगी हुई है, तो चलो भाई को बोला मैंने बारिश है कुछ भी है टायर हमारे पलटी होने चाहिए, तो टायर वगैरह पलटी करवा लेते हैं, इससे पहले ना हम व्हील कवर खोल लेते हैं, व्हील कवर खोल के फिर उसके बाद भाई दिखाते हैं टायर की कंडीशन, तो चलो भाई पहले व्हील कप वगैरह खोल देते हैं क्योंकि भाई व्हील कप ना टूट रहनी चाहिए, आपको पता भी है व्हील कप है तो सब कुछ है, और हालत ना अभी भी गंदी है, बारिश से ना बुरी हालत है, हमारा प्लान था वॉश करवाने का लेकिन हमने वॉश नहीं करवाया, तो चलो पहले व्हील कप वगैरह खोल लेते, जैक वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद टायर की कंडीशन दिखाते हैं। आज ना अपना न्यू कैमरा मैन आया भाई सोहेल भाई अपने साथ है, आज सोहेल भाई ने बोला चलो कैमरा मैन पकड़ता हूँ भाई आप वीडियो शूट करो, तो पहले साइड वगैरह चेंज करवा लेते हैं भाई क्योंकि साइड चेंज करना ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टायर ख़राब हो जाए, वैसे भी गाड़ी एक साइड भाग रही है, हमने अलाइनमेंट वगैरह करवाई थी लेकिन फिर भी गाड़ी एक साइड ही भाग रही है, तो व्हील कप वगैरह खोल के रख देते हैं, उसके बाद ना आपको दिखाएंगे टायर की क्या हालत है। पठान साहब क्या कर रहे हैं? ये पठान साहब का एक टायर है वो मेरी साइड का, ज़्यादा देखते हैं आज कौन टायर ज़्यादा, हाँ ज़्यादा टायर कौन खा नहीं रहा है, चेंज कौन कर रहा है, ये वाला टायर ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि गाड़ी की साइड अगर हम दो चक्कर मार के चेंज करेंगे तो टायर अच्छे चलेंगे। आ जाओ पाजी इधर आ जाओ, पाजी इधर आ जाओ, तो गाइस लगा लिया जैक भाई, जैक सेंटर में लग रहा है क्योंकि दोनों टायर ना एक साथ उठ जाएंगे ऊपर, क्योंकि एक उठाना फिर वापस लगाना फिर दूसरा लगाना फिर वो लंबा चक्कर बन जाता है, तो हमने डिस्क पलटी कर रहे हैं, मतलब ये वाली साइड इस साइड करनी है ये वाली, और ये वाला टायर अपना ना ख़राब हो रहा है, जब ये उतार देंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे ये टायर कितना ख़राब हुआ कितना नहीं, तो भाई कभी बोल दिया लगाने के लिए जैक, बस जैक वगैरह लगा लिया, पठान साहब फेल हो गए क्योंकि इन्होंने ट्राई किया था दो साइड जैक लगाने के लेकिन एक ही चढ़ा, क्योंकि ये देख रहे हो ऐसा होता है, नहीं डोंट शूट क्यों, ऐसा ही होता है कभी नहीं, यानी बंदा होता है ना कल खाना बना गर्म कुकर के साथ लगा के अपना बाजू ही चला, लगता है ऐसा चलता है, ऐसा लगता नहीं है जब ये हालत, ये देखना जब ये फटेगा ना तो तब आपकी भी फटेगी। तो चलो भाई ये वाला जो हमने उठा लिया टायर, पहले ये वाला पलटी करके ना फिर उस साइड वाला करेंगे क्योंकि दोनों साइड अगट्ठे नहीं छोड़ा भाई ने, तो बड़ी ट्राई की लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और क्या जहाँ भी चेक कर रहा है बारिश हो रहा है, और गाड़ी अपनी रात वाली वहाँ पर, आप वाली गाड़ी अंदर, हमने ना एक ही जैक लगाया था भाई, अब दूसरा भी लगाना पड़ा क्योंकि भाई ने बोला दोनों साइड से एक साइड हो जाएगी, देख रहे एक जैक हमने लगाया दूसरा अब चूड़ी वाला लगाने लगा, क्या बनाए टायर खींच के रखो टायर आराम से, ये बचा के, ये टूटना नहीं चाहिए, जब उतारोगे ना ये टूटना नहीं चाहिए, हाँ हाँ बहुत हो गया देखो, बस बस बहुत बस बहुत हो गया, बहुत हुआ बटान साहब बहुत हुआ, आप सर बचाना एक मिनट एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं आपकी गाड़ी की बहुत स्पीड है, चलो ये वाले बोल्ट में खोल लेता हूँ,
वॉशिंग यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि कल भाई ने बोला कि वॉशिंग वगैरह करवाओगे तो रास्ते में फिर वही हालत हो जाएगी। चलो थोड़ा फेस वगैरह साफ़ है गाड़ी का, तो बाकी आपको पता भी है बंदे का ना फेस साफ़ होना चाहिए सर, और गाड़ी का भी फेस ही साफ़ होना चाहिए। चलो आप उतारूँ? हाँ बिल्कुल भाजी, टाइम लगता लगता बिल्कुल, निकाल के बता दिया निकाल आराम से आराम, उसको कुछ नहीं होगा, बोल टूट जाएगा ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साइड ये उधर और ये इधर, शान क्या लगा रही है बाहर वाली साइड से? ये साइड पल्टी कर रहे ना, वो अंदर होना चाहिए बाहर। चलो तो गाइस एक टायर अपना रेडी हो चुका है और ये इसमें ना लंगोटी अपनी ख़राब निकली, क्योंकि लंगोटी ना अगर भैया आज नहीं देखते तो पंचर हो जाता 100%। हाँ भाई ने आज देखा कि राजा भाई वो क्रैक है चेंज कर लो, इसमें हमने डबल कर लिया, अब इसमें भी चेक करेंगे, रब ना करे इसमें ख़राब निकले, और क्योंकि भाई अभी ख़राब निकले कि ना अपने पास हमने रिजर्व रखे थे, जो टायर चेंज करवाए थे ना उसकी ट्यूब और लंगोटी मैंने संभाल के रखी हुई थी, और ये रही भाई ये एक ये रही, ये देख लो ये ख़राब हो गई थी तो ये चेंज कर ली, अब दूसरी भी चेंज करेंगे देखेंगे भाई। चलो तो एक टायर अपना रेडी हो चुका है, एक में दो लंगोटी वगैरह डाली और एक में एक ही है भाई, और बारिश भी स्टार्ट होगी भाई, देख रहे हो काफ़ी ना कमेंट करते रहते हैं कंबल में बैठ के रजाइयों में बैठ के, देखो भाई कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मजा तब है जब इस हालात में यहाँ आके कमा के दिखाओ, सही बात बोली, परफेक्ट बात है ये। तो गाइस एक चीज़ बता दो जो भाई BS6 वाले, भाई ये चीज़ बता दो हमें कि मतलब BS6 से इतने टायर क्यों खाती है भाई, BS6 मतलब आगे फ्रंट वाला टायर क्यों दबाती है एक टायर वो भी, जिस भाई को पता है ये वाली चीज़ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइए ऐसा क्यों कर रही है गाड़ी, एक साइड से ना पूरा मतलब एक साइड से मतलब पूरा टायर दबा रही है, वो साइड ही चेंज करनी पड़ती है। तो चलो भाई देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है अभी। तो गाइस टायर वगैरह फिट हो गया, अब जैक वगैरह निकालते हैं, उससे पहले ना व्हील कप वगैरह लगाते हैं क्योंकि भाई व्हील कप ज़रूरी है भाई, देखो व्हील कप के बिना गाड़ी अजीब लगती है ना, अजीब सी लगती है। तो चलो भाई ने अपने कर दिया भाई शुक्रिया, फिर भी आप पिछले वाले टायरों में हवा चेक कर रहे हो क्योंकि टायर ना साइड लास्ट वाले चिपक रहे हैं, आप थोड़ी गाड़ी आगे ले लो, पीछे है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है मेरे भाई, आगे तक लेता हूँ फिर करता हूँ। तो चलो भाई पहले गाड़ी थोड़ी आगे लेता हूँ, फिर भाई प्रेशर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम भी थोड़ी रेस्ट वगैरह करेंगे, और सुबह के लिए कंफर्म है ये नहीं। क्या हाल है भाजी, ठीक ठाक हो? और सब खैरियत? हाँ जी, मैंने सोचा टायर पल्टी वगैरह करवा लेते हैं, ख़राब कर रही थी ना गाड़ी, देख रहे हैं मेरा यूट्यूबर इधर घूम रहा है। तो गाइस फ्रंट टायर वगैरह हमने पल्टी कर लिया, उसके बाद ना मैंने सोचा भाई गाड़ी में ना हवा वगैरह भी चेक करवा लेते हैं, भाई आप देखो बारिश भी है और आपको पता है जब ठंडा मौसम होता है ना टायर तब गाड़ी के ना टायरों में हवा वगैरह कम हो जाती है ना कम, ऐसा ही है ना सोच भाई, तो मैंने सोचा भाई ये वाला चीज़ करवा लेते हैं, टायरों में हवा चेक करवा लेते, भाई ने बोला कम है, नए टायर डाले आपको पता भी है, एक ही चक्कर में अभी उधर से यहाँ आया और हवा कम की वजह से अलाइनमेंट भी आउट होती है और टायर भी ख़राब हो जाते जल्दी, तो मैंने ये व्हील कप वगैरह खोल के रख दिए। देखो भाई थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ देखनी पड़ेगी, लेकिन इतना के दिल में सुकून आ जाएगा कि गाड़ी में ग्रीस हो गई, एयर फिल्टर साफ़ हो गया, उसके बाद टायरों में हवा भी चेक हो गई, फिर आराम सुकून से कश्मीर जाएंगे। तो चलो भाई इसमें चेक कर रहे हैं, फिर उसमें करेंगे पीछे वाले जो 8 चक्के 8 में चेक करके उसके बाद ना फिर गाड़ी साइड पे लगाएंगे। और शाम के ना 6 बज चुके हैं भाई, और आगे अपना टाइम व्लॉग एडिटिंग करने का, व्लॉग एडिट वगैरह कर लेते हैं भाई, और अपने टायर वगैरह चेंज हो गए, कपड़े सारे गीले हो चुके भाई, ऐसा करते साथ साथ इस व्लॉग को यही है क्योंकि 3 दिन से ये व्लॉग कंटिन्यू शूट हो रहा है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।